नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेस्ट बुक में। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2022 का जो आने वाला प्रीलिम्स है उसके लिए वन ईयर करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स। और उसी में हम लोग आपके लिए एक सीरीज को रन कर रहे हैं, दैट इज द इंटरनेशनल प्लेसेज इन न्यूज़, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग आपके लिए सेट नंबर वन को कम्प्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उसके सेट नंबर वन को देखिए, बच्चों ने उसको बहुत प्रेम दिया है। एंड वी आर नाउ बैक विद द सेट नंबर टू ऑफ द सेम इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज। सो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कुल मिला के तीन सेट्स पेश करने वाले हैं, सेट नंबर वन, सेट नंबर टू और सेट नंबर थ्री। सेट नंबर वन में दोस्तों मैंने बेसिकली उन चीज़ों को कवर किया जो कि इंडिया के नेबरहुड में आती हैं। सेट नंबर टू में मैं उन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो कि इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड में आती हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं थोड़ा इंडिया से दूर जाते हुए, सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, थोड़ा सा इधर हम जापान की बात करेंगे, थोड़ी आसपास की एरियाज़ की बात करेंगे जो कि सुर्खियों में रही थी। एंड सेट नंबर थ्री में हम लोग जनरल वर्ल्ड की बात करेंगे, जो कि चीज़ें जैसे रशिया हुआ, यूएसए हुआ, इनकी जो प्लेसेज इन न्यूज़ रही हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ को भी आप लोग इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने अगेन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज डू सो। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे द्वारा बनाया गया सारा का सारा कॉन्टेंट, उसकी नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऑल्सो दोस्तों, टेस्ट बुक आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है जिसमें कि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं सुपर कोचिंग। नाउ व्हाट इज सुपर कोचिंग? इसमें आपको लेनी है सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसके प्राइजेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं और इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेसिकली टीच करेंगे और ये आपको जो है अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी करवाने में सक्षम बनाएंगे। कई सारे एजुकेटर्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एजुकेटर्स हैं। ये ऐसे टीचर्स हैं जो कि कई सारे रैंकर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में ना केवल आपको जो है स्टडी नोट्स मिलेंगे बल्कि आपका डाउट रेजोल्यूशन भी होगा और आपको कई सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसका जो दाम है दैट इज़ 2500 रुपीज़ पर मंथ और जो भी दाम आपको ऐप पे दिखेगा आपको उसके अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग A2SIR कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। राइट, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की जो पहली प्लेस इन न्यूज है दैट इज चाबहार पोर्ट, ईरान। सो हमने कल के लेक्चर को जब समाप्त किया था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था ग्वादार पोर्ट के बारे में। मैंने ग्वादार पोर्ट के बारे में आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्ट है ये बेसिकली चाइना डेवलप कर रहा है एज पार्ट ऑफ द सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत चाइना ग्वादार पोर्ट को डेवलप कर रहा है सो दैट वो जो है अरेबियन सी में अपने एक्सेस को इम्प्रूव कर सके। उसी चीज को एक तरीके से काउंटर करने के लिए इंडिया के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि हम लोग भी चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे जो कि अगर आप देखेंगे तो ग्वादार पोर्ट के बहुत ही नज़दीक में देखने को मिलता है। इस वाले एरिया को हम लोग गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। आपको मालूम होगा ये ओमान का देश है तो इसको गल्फ ऑफ ओमान बोला जाता है और ये जो आपका चाबहार का पोर्ट है ये आपको गल्फ ऑफ ओमान के अंदर देखने को मिल जाता है। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट फ्रॉम ट्रेड एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव फॉर इंडिया। ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पर आप देखिए कांडला से किस तरीके से इसका कनेक्शन भारत बना रहा है। केवल इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज़ है जो कि पिछले कुछ कई सारे सालों से सुर्खियों में चल रही है, दैट इज़ INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है चाबहार पोर्ट। सो देर आर वेरियस रीजन्स जिसके चलते चाबहार पोर्ट जो है वो सुर्खियों में रहता है और इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ये ईरान के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अगली हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया ने पहला इंडिया सेंट्रल एशिया का जो समिट है उसको होस्ट किया था इन वर्चुअल फॉर्मेट। दोस्तों सेंट्रल एशिया में कुल मिला के 5 प्रमुख कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर आपका तजिकिस्तान है और इधर आपका किर्गिस्तान है, और भी कुछ कुछ कंट्रीज हैं लेकिन पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो कजाकिस्तान सबसे पहले, अगर आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो गाइज कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो बेसिकली आपका है नूर सुल्तान। आपको मालूम होना चाहिए इसका पुराना कैपिटल कोई और था लेकिन इसका नया कैपिटल जो है वो नूर सुल्तान है और नूर सुल्तान कजाकिस्तान के ही जो पहले PM रह चुके हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए PM रहे थे, आई थिंक 25 से 30 साल के आसपास का उनका PMship का टाइम था, उनका नाम नूर सुल्तान था और उनके नाम के ऊपर ही इस पर्टिकुलर जगह को नाम नूर सुल्तान दिया गया है।
उसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान में आपको कैपिटल देखने को मिलता है ताशकेंत। ताशकेंत आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा, ताशकेंत फाइल्स के नाम से मूवी भी है। सो अगेन आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू कि ये एक अगेन काफ़ी पॉपुलर जगह है, ताशकेंत उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। इसके बाद बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान अगेन वैसे भी न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ द तापी पाइपलाइन, जो कि इंडिया ने काफ़ी साल पहले साइन करा था। तापी पाइपलाइन स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशकाबाद, और अशकाबाद एक अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। देन वी आर कमिंग टू तजिकिस्तान। तजिकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज दुशांबे। इसको मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते होंगे तजिकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज दुशांबे। एंड फाइनली किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ये छोटी सी कंट्री है जिसका अगेन कैपिटल है बिश्केक। तो इनके कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसको लेकर सवाल पूछने की बहुत संभावना बनती है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली कंट्री है अजरबैजान के नाम से। देन वी हैव दिस कंट्री ऑफ अर्मेनिया, ठीक है। यहाँ पर जो अर्मेनिया है उसका कैपिटल आपको अगेन मालूम होना चाहिए कि दैट इज़ उसका कैपिटल जो है वो येरेवान है, ठीक है। अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। तो ये भी थोड़े बहुत चीज़ें आपको यहाँ मालूम होनी ज़रूरी हैं। सवाल इस तरीके से ही आता है कि ये वाली जो सिटीज़ हैं आपको कौन सी कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं, और इतना आसान सवाल होता है तो फिर अगर उसको भी कभी मतलब गलत होता है दुख होता है कि क्यों गलत कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे गलत आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बागरम एयरफील्ड की। तो बागरम एयरफील्ड आपको मालूम होगा कि ये वाली जो एयरफील्ड थी ये असल में यूएसए का बहुत बड़ा एयरबेस था जो कि अफगानिस्तान में यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर नियरली 20 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि ये वाला जो एयरबेस था, आपको बता दूँ इसकी ऐतिहासिक तौर पर इट वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय द सोवियत, लेकिन अभी जो है ये यूएसए इसका इस्तेमाल कर रहा था अपने जो उनके अफगानिस्तान में ऑपरेशंस चल रहे थे। यूएसए ने रिसेंटली एग्जिट किया है अफगानिस्तान से, आपको मालूम होगा जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है। सो ये बागरम एयरबेस है। ये आप देखेंगे तो ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। ये पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है, और ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली बाउंड्री इंडिया है। तो इसीलिए क्योंकि ये बाउंड्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा बागरम एयरबेस, काबुल के बहुत नज़दीक आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यूपीएससी पहले इस चीज़ को लेकर सवाल पूछ चुकी है, मज़ार शरीफ। अगर आप जाके देखेंगे पुरानी प्लेसेस न्यूज़ में से मज़ार शरीफ को लेकर सवाल आया हुआ है। हेरात भी इंपॉर्टेंट जगह है, उसके बाद कांदाहार तो एज़ यूजुअल इंपॉर्टेंट जगह है ही है। सो ये कुछ कुछ जगहें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि ये आपको देखने को मिलती हैं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज़रांज अफगानिस्तान की। ज़रांज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ज़रांज इंपॉर्टेंट दो तीन कारणों की वजह से है। पिछले साल न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल टू फॉल टू द तालिबान सिंस द यूएस हैज़ रीच्ड अ डील विद द ग्रुप फॉर अ यूएस पुल आउट इन 2020। तो पिछले साल जब तालिबान जो है वो धीरे धीरे करके अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहा था ना, तो उस टाइम पे ज़रांज वॉज द पहला प्रांतीय राजधानी थी जो कि असल में तालिबान के सामने झुकी थी। सो ज़रांज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने इम्पॉर्टेंट सड़क है जो कि भारत के द्वारा बनाई गई है, ज़रांज डेलाराम रोड। ये वाली जो रोड है दोस्तों ये भारत के द्वारा बनाई गई है, और ये भी आपको अफगानिस्तान के ही अंदर देखने को मिल जाती है। दैट इज़ वन मोर रीज़न, क्योंकि इंडिया ने इसको डेवलप किया है इसलिए भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट ये बन जाती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान में पंजशीर वैली की। तो पंजशीर आपको मालूम होगा, पंजशीर का जो प्रोविंस है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको ध्यान होगा तो एक बहुत अच्छा जो रेजिस्टेंस था जो कि तालिबान के सामने पेश किया था, वो असल में पंजशीर के जो वहाँ पे लोग थे उनके द्वारा रेजिस्टेंस पेश किया गया था। पंजशीर जो है ये हिंदू कुश माउंटेन्स में लोकेटेड है, एंड द एंटायर वैली इज़ लोकेटेड अलॉन्ग पंजशीर रिवर विच फ्लोज ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसमें आपको जितने भी लोग देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वैली आर एथनिक तजीक्स, यानी कि जो तजिकिस्तान के लोग हैं ना वो वाले लोग आपको यहाँ पे पंजशीर के प्रोविंस में देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बॉर्डर भी है, अगेन आप लोग देख लीजिए ये बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान शेयर करता है तजिकिस्तान के साथ। तो काफ़ी सारे लोग जो पंजशीर में हैं, काफ़ी सारे लोग क्या बल्कि अधिकतर लोग जो पंजशीर में हैं वो आपको तजिकिस्तान के ही लोग देखने को मिल जाते हैं। तो ये फिर से बल्कि न्यूज़ में आया था जस्ट आज से हफ्ता दस दिन पहले की बात है कि पंजशीर का जो रेजिस्टेंस है वो एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है, और वो लोग एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान का जो होल्ड है उसको अफगानिस्तान में कम करने की कोशिश की जा सके। नेक्स्ट
नेक्स्ट ब्लैक सी की बात करेंगे. वैसे दिस पर्टिकुलर प्लेस वॉज सपोज टू बी इन द नेक्स्ट पार्ट, बट चलिए कोई बात नहीं. ब्लैक सी को लेके यूपीएससी अगेन क्वेश्चन पूछ चुकी है कि टर्की जो है वो कौन से दो सागरों के बीच में देखने को मिलती है. तो दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर आपका ब्लैक सी है. सो नॉर्थ में आपको ब्लैक सी देखने को मिलती है, साउथ में आपको मेड सी देखने को मिलती है. मैं यहाँ पर थोड़ा आपका फोकस और कुछ चीज़ों पर लेके जाना चाहूँगा. रशिया फायर्ड द वार्निंग शॉट्स एट अ ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन द ब्लैक सी. थोड़ी पुरानी खबर है, पिछले साल में ही हुआ था ये, ठीक है. तो एक ब्रिटिश का डिस्ट्रॉयर था, ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर था जो कि ब्लैक सी में आ पहुंचा था. तो उसके ऊपर रशिया ने कुछ वार्निंग शॉट्स को फायर किया था. यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्रीमियन पेनिनसुला बोलते हैं. क्रीमिया का जो पेनिनसुला है जो कि रशिया ने सन 2014 में एक्वायर कर लिया था, राइट गाइस. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका सी ऑफ अजोव है, ठीक है. ये आपका सी ऑफ अजोव है, ये यूक्रेन की बाउंड्री है. यहाँ पर ये रशिया की बाउंड्री है, ये इस तरफ रशिया है, इस तरफ यूक्रेन है, ठीक है. और इस बार जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट करी थी तो थोड़ा से इसके ऊपर यहाँ पे डोनेट्स्क के जो इलाके हैं वहाँ से रशिया के द्वारा इन्वेजन को स्टार्ट किया गया था. बल्कि इस बार इन्वेजन का उन्होंने एक फ्रंट जो है ओडिशा से भी बनाया था. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर तो रशिया की पूरी आर्मी तैनात है ही है, तो यहाँ से तो ये लोग जो है इसको अटैक कर ही रहे थे, ठीक है. सो कुछ कुछ इसके बारे में डिस्कशंस और भी करेंगे आने वाले सेट में. लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैक सी है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है. ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं ये. इधर तो एक तो यूक्रेन हो गई, इधर आपकी रशिया हो गई, इधर जॉर्जिया हो गई, नीचे टर्की हो गई, ठीक है. इधर आपको बल्गेरिया देखने को मिलती है, इधर रोमानिया देखने को मिलती है. मोल्डोवा जो है वो नहीं है, ठीक है. और इसके अलावा ये सर्बिया, मैकेडोनिया, ये सब भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी. अंडरस्टूड गाइस, इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी पूछती रहती है. आर्मेनिया भी यहाँ पर नहीं है, आई थिंक ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है. ब्लैक सी जो है वो आर्मेनिया के बॉर्डर पर नहीं है. नेक्स्ट लेबनन है. लेबनन और यहाँ पे गोलान हाइट्स दोनों को मैं एक साथ करूँगा कवर, ठीक है. सो ये वाला जो एरिया है, अगेन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन, इनफैक्ट दो बार क्वेश्चन मेडसी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को लेके पूछा जा चुका है. वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन. यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आपका कोस्ट है मेडसी का, यहाँ पर आपको इज़राइल देखने को मिलती है. इज़राइल के नॉर्दर्न पार्ट में ये जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ये वाली जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लेबनन की बाउंड्री है. और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस तरीके से जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली बाउंड्री जो हमने ड्रॉ कर दी है, तो ये अगर इज़राइल है, ये जॉर्डन है, और ये रहा आपका सीरिया. सो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये वाला जो पार्ट था, इस पूरे के पूरे पार्ट को कहा जाता है गोलान हाइट्स. ये असल में एक तरीके से यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं. बहुत ऊंचे माउंटेन्स नहीं है, थोड़े से ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स नहीं है. ये जो माउंटेन्स थे ये हिस्टोरिकली सीरिया के पास थे, लेकिन एक युद्ध हुआ था इज़राइल और सीरिया के बीच में, जब इज़राइल ने इन माउंटेनियस एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था. तो तब से इज़राइल ही इनको कंट्रोल करता आ रहा है. ये वाले जो गोलान हाइट्स हैं, अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे, इवन दो डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन फिर भी इसका जो कंट्रोल है वो आज की घड़ी में आपको इज़राइल के पास देखने को मिल जाता है. लेबनन क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज रिसेंटली इज़राइल शॉट आर्टिलरी फायर इन रिटालिएशन टू इरानियन बैड लेबनीज ग्रुप हेजबोला फायरिंग ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम लेबनन. तो ईरान, लेबनन में आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो है एक ग्रुप है हेजबोला के नाम से जो कि काफ़ी एक्टिव है. उन्होंने कुछ फायरिंग करी थी, उसके बदले में इनके द्वारा जो है कुछ फायरिंग इसराइल के द्वारा यहाँ से करवाई गई थी. सो ये कहानी थी. लेबनन इसलिए न्यूज़ में था, बस इतना ध्यान रखिए कि लेबनन जो है वो मेडसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है. जो सवाल यूपीएससी में आया था वो ये था कि क्या जॉर्डन मेडसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो जी नहीं, वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है. गोलान हाइट्स, ये देखिए, इट वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया बाय इसराइल ड्यूरिंग द सिक्स डे मिडल ईस्ट वॉर ऑफ 1967. ये वाला एरिया है गोलान हाइट्स का. और इसका सी ऑफ गैलीली जो है ये आपको इसके लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है. सो इस तरह से भी सवाल, इनफैक्ट गोलान हाइट्स को लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि ये वाला जो एरिया है ये कहाँ देखने को मिलता है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी है. नेक्स्ट हम लोग वेस्ट बैंक की बात करते हैं. तो इसको लेकर तो आई थिंक सवाल आना बस ऑलमोस्ट तय है, कभी भी सवाल आ सकता है. दोस्तों पिछले साल जब इसराइल पैलेस्टीन के बीच में जो काफ़ी इसराइल और जो हमास के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा तनाव शुरू हो चुका था, तो ये आपको ध्यान रखोगा, ये गाज़ा की पट्टी है, दिस इज़ द गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है. आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर है वेस्ट बैंक, ठीक है. तो ये वेस्ट बैंक है. अगर आप सोचते हैं कि ये इसराइल के ईस्ट में होने के बावजूद ये वेस्ट बैंक क्यों है, तो असल में वेस्ट बैंक एक टाइम पे जॉर्डन का हिस्सा हुआ करता था. दैट्स अ वेरी वेरी बहुत ही पुरानी कहानी है. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ओवर देयर. लेकिन ये जॉर्डन का हिस्सा था क्योंकि जॉर्डन के वेस्टर्न साइड पे है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता था, ठीक है.
लेकिन वैसे जो है ये इसराइल में आपको ईस्टर्न तरफ देखने को मिलता है, और ये आपका वेस्ट बैंक है, जेरूसलम आपका ये रहा बिल्कुल वेस्ट बैंक के इस कोने पे आपको जेरूसलम देखने को मिलता है। दिस इज़ योर गाजा स्ट्रिप, ये आपका टेल अवीव है जो कि इसराइल की राजधानी भी है। सो रिसेंटली इसराइल सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड अ पिटिशन अगेंस्ट द इवैक्शन ऑफ मोर देन 1,000 पैलेस्टीनियन इनहैबिटेंट्स ऑफ अ रूरल पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक इन एन एरिया विच इसराइल हैज डेजिग्नेटेड फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट सिनाई पेनिनसुला, ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑफ योर आपका जो स्वेज कनाल है। सो स्वेज कनाल आपको मालूम होगा, जो स्वेज कनाल का एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिप था जिसका नाम था एवर गिवन, इट हैज रन अग्राउंड। तो ये बीच में अटक चुका था, अगर आपको ध्यान होगा तो उस टाइम पे जब ये अटका था तो स्वेज कैनाल का पूरा ट्रैफिक रुक चुका था। स्वेज कैनाल बहुत ही ज़्यादा बिजी, इनफैक्ट बिजी का बिजिएस्ट रूट कहूँगा मैं, बिजिएस्ट वाटरवे है दुनिया में जो कि यूरोप को और एशिया को जोड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट वाटरवेज एंड द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और जब ये रुका था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को मिली थी। तो ये आपका स्वेज कैनाल है, इधर निकलता है रेड सी में, इधर निकलता है मेड सी में, ठीक है। और स्वेज कैनाल का जो पूरा का पूरा रेगुलेशन है या मॉनिटरिंग है वो इजिप्ट करता है। नेक्स्ट गल्फ ऑफ ओमान, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये आपकी ओमान की कंट्री है, ठीक है, ये ओमान की कंट्री है और इसीलिए इस एरिया को गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। यहाँ कहीं पे आपको चाबहार का पोर्ट देखने को मिलता है, ये आपकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज देखने को मिल जाती है। ओमान के कुछ इंपॉर्टेंट शहर आपको बता दूं कि एक तो ओमान का जो कैपिटल है दैट इज मस्कट, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद डुकुम, ठीक है, पोर्ट ऑफ डुकुम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी यहाँ पे काफ़ी सारे MOU साइन कर चुका है डुकुम की इस्तेमाल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सलाला भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है जो कि आपको ओमान में देखने को मिल जाता है। सो ईरान हैज़ ओपन्ड इट्स फर्स्ट ऑयल टर्मिनल इन द गल्फ ऑफ ओमान टू अलाउ ईरानियन टैंकर्स टू अवॉइड यूजिंग द स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। तो ईरान के द्वारा अपना पहला ऑयल टर्मिनल गल्फ ऑफ ओमान में खोला गया है सो दैट जो इनके टैंकर्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के थ्रू ना जाना पड़े, बिकॉज ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आपको मालूम होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अक्सर जो है वो बड़ा रहता है, उस चीज़ से बचने के लिए या उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि यहाँ पर करी गई है ईरान के द्वारा इन द गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट नागोर्नो कारोबाख का जो रीजन है, पिछले साल बहुत सुर्खियों में रहा, सन 2020 में 21 में थोड़ी बहुत इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई, तो ये जो है इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज की डेट में इसको कौन जो है वो कंट्रोल करता है, देखिए कोई भी जब टेरिटरी डिस्प्यूटेड होती है तो इंटरनेशनली उसको किसी ना किसी कंट्री का पार्ट माना जाता ही है, तो UN जो है वो किसी ना किसी कंट्री का पार्ट उसको मानती ही है। तो नागोर्नो कारोबाख की बात करें, इसको हम लोग अर्थसाक भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, इट इज़ इंटरनेशनली रिकोगनाइज एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो रिसेंटली डेकेड्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो कारोबाख बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, इट हैज़ रीसर्फेस्ड। कहानी सुपर कॉम्प्लेक्स है, रेलिवेंट उतना नहीं है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंप्लीटली दो अलग कंट्रीज के बारे में कहानी है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए कि ये वाला इलाका कहाँ पड़ता है। तो ये आपका अर्मेनिया की बाउंड्री है, ठीक है, ये आपकी अर्मेनिया की बाउंड्री है, और ये वाला जो पार्ट है नागोर्नो कारोबाख का पार्ट है, ये जो बाकी मैंने पार्ट यहाँ पे मार्क नहीं किया ये वाला पार्ट, ठीक है, काफ़ी सारा पार्ट यहाँ पे डिस्प्यूटेड आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ताइवान स्ट्रेट के बारे में। ताइवान स्ट्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ताइवान स्ट्रेट अगेन क्यों न्यूज़ में रहता है, बिकॉज US और चाइना के बीच में अक्सर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, चाइना और ताइवान के बीच में दिक्कतें तो होती ही रहती हैं। सो रिसेंटली जो ताइवान स्ट्रेट था वो पहली बार क्वाड की बातचीत थी उसमें ताइवान स्ट्रेट को लेके बात हुई थी। तो क्वाड जो है अक्सर इसको बनाया जाता है कि ये जो है एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है, हालांकि भारत ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन हाँ क्वाड की बातचीत ने पहली बार हमें ताइवान की स्ट्रेट का नाम देखने को मिला। इसका दूसरा नाम फार्मोसा स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। अब आप सोचिए कि ताइवान इसको ताइवान का स्ट्रेट बोलता है और ऑब्वियसली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको अपना नाम देना था, तो उन्होंने अपना नाम इसको फार्मोसा स्ट्रेट दिया हुआ है। सो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। ये इस तरफ चाइना है, इस तरफ ताइवान है, इस तरीके से आपका ताइवान स्ट्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट सेंकाकू आइलैंड्स, ये भी डिस्प्यूटेड हैं। ये इनफैक्ट जो डिस्प्यूट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेंकाकू आइलैंड्स जो हैं, ये रहे आपके सेंकाकू आइलैंड्स, इनको दोस्तों कंट्रोल तो जापान करता है,
तो जापान का जो नाम है वो इन आइलैंड्स के लिए संकाकू है, लेकिन चाइना समझता है कि ये हमारी टेरिटरी है। चाइना इनको बोलता है डियायू आइलैंड, ताइवान समझता है हमारी टेरिटरी है, ताइवान इनको बोलता है तियाउताई आइलैंड। तो हर कंट्री ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, लेकिन आज के डेट में जो कंट्रीज को कंट्रोल करती है वो बेसिकली जापान है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इट इज़ अ ट्राइलेटरल डिस्प्यूट, ठीक है। जापान ऑब्वियसली इस चीज़ को रिकोगनाइज ही नहीं करती, जापान बोलती है ये आइलैंड शुरू से हमारे ही हैं, इसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, ठीक है। लेकिन चाइना बोलती है कि ये डियायू आइलैंड है और ताइवान बोलती है ये तियाउताई आइलैंड है। नेक्स्ट सी ऑफ जापान ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्ट सी। इसमें क्या हुआ था, सुर्खियों में क्यों थी, एक सबमर्ज्ड रशियन सबमरीन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ क्रूज मिसाइल फ्रॉम द सी ऑफ जापान। तो ये एक नई कहानी देखने को मिली कि एक जो है रशिया की पनडुब्बी थी जो कि सबमर्ज थी, लेकिन उसके बावजूद एक क्रूज मिसाइल फायर करने में वो सक्षम रही, सफल रही, और ये इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में थी। ये आपकी सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी, जापान के ईस्ट की साइड आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सी ऑफ जापान ये रहा आपका रशिया, ठीक है, ये रशिया की बाउंड्री है, ये रशिया है पूरा का पूरा, ये नॉर्थ कोरिया है और ये ऊपर इधर चाइना है, राइट गाइस। सो इस तरीके से है, तो ये नॉर्थ कोरिया, इनफैक्ट ये वाला साउथ कोरिया है जो कि सी ऑफ जापान के साथ टच करता है। तो अगर आप देखेंगे सी ऑफ जापान में, ये नॉर्थ कोरिया, ये रशिया, ये जापान और ये साउथ कोरिया, ये अपनी बाउंड्री को टच करवाते हैं। नेक्स्ट क्यूरिल आइलैंड्स, दिस इज ऑल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड जापान, ठीक है। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूरिल आइलैंड्स को आज की डेट में कौन कंट्रोल करता है, तो उसको रशिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जापान ये मानता है कि ये टेरिटरी हमारी है, ये पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो जो पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर है ना, जो कुछ इस तरीके से बनता है पैसिफिक में, उसी के पार्ट में आता है, यानी कि यहाँ पर आपके अर्थक्वेक्स और जो वॉल्केनोज हैं उसकी आपको अच्छी मात्रा देखने को मिल जाती है। तो ये रहे आपके क्यूरिल आइलैंड्स, ये काफ़ी लंबी सी लाइन है क्यूरिल आइलैंड्स की, ठीक है। तो जापान ये बोलता है कि ये वाली टेरिटरी हमारी है, इतनी टेरिटरी हमारी है, लेकिन रशिया इस चीज़ को नहीं मानता है। हिरोशिमा की बात कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे हिरोशिमा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं, जापान को लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है कई बार, तो जापान के कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओसाका है, नगोया प्रोटोकॉल है, आपको मालूम होगा नगोया प्रोटोकॉल जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पिक्चर करता है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि यूएनएफसीसी की बातचीत में पिक्चर करता है, हिरोशिमा तो आपको मालूम होगा जहां पे एटॉमिक बम गिराए गए थे, ठीक है, और नागासाकी भी आपको मालूम होगा, तो हिरोशिमा और नागासाकी तो आपको याद होने चाहिए। ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज जापान मार्क द 75 ईयर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा on 6th of August 2020। तो कुछ समय हो चुका है, लेकिन हाँ 75 साल पूरे हुए थे, तो उसको यहाँ पे इन्होंने एक बार याद किया था, ठीक है। इसके अलावा योकोहोमा का प्रोटोकॉल भी आपको मालूम होगा जो नेशनल डिजास्टर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर है, देन फुकुशिमा जहाँ पे न्यूक्लियर वो हुआ था, डिजास्टर हुआ था। सो ये कई सारे आपको शहर मालूम होने चाहिए जो कि आपको जापान में देखने को मिल जाते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट वी हैव पापुआ न्यू गिनी, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज PNG। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को भी जो है फील्ड किया था, अभी भी खेलती है पापुआ न्यू गिनी की क्रिकेट टीम, ऐसा नहीं कि उन्होंने खेलना बंद कर दिया है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सो ये इसलिए न्यूज़ में आई थी बिकॉज इस कंट्री ने असल में इंडिया के जो डिप्लोमैट्स हैं उनका एक्सेस बंद कर दिया था कि भाई आप लोग फ्लाइट्स के माध्यम से हमारे पास नहीं आ सकते हैं। कुछ COVID-19 को लेके, कुछ नियमों को लेके कुछ भिड़ंत हुई थी, नॉट वेरी श्योर क्या वहाँ पे चीज़ हुई थी, काफ़ी लंबी चौड़ी बात थी, लेकिन हाँ इन्होंने कहा था कि इंडिया की सम फ्लाइट्स को इनडेफिनेटली बैन कर रही हैं। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, पिछले साल की बात है। सो ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये पापुआ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना ये ऑरेंज कलर में, ये सारे के सारे आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही हैं, ये पापुआ न्यू गिनी के आइलैंड्स हैं। इसी मौके पे बल्कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इस पूरे के पूरे चीज़ को, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आपको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो है, ये आपका मेला है और ये आपका पॉली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो किसका पार्ट है, क्या वो मेला का पार्ट है, माइक्रो का या पॉली का। सो गाइस पापुआ न्यू गिनी जो है वो आपका मेलानेशिया का पार्ट है, और मेलानेशिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको नाउरू देखने को मिलता है, सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलता है, वनुआतू देखने को मिलता है, पॉपुलर फिजी देखने को मिलता है, न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलता है। इसकी बात मैंने आपसे कर ली सुर्खियों में था, इसकी बात अभी अगली स्लाइड में करूँगा और इसकी बात उसके अगली स्लाइड में करूँगा। तो ये तीन तो इसी साल सुर्खियों में थे, पिछले एक दो साल में ही सुर्खियों में रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रो में क्या याद करना है आपको, किरीबाती देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, मार्शल आइलैंड्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गुआम इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पॉलिनीजिया में बात करें, यहाँ पे उतना कुछ खास रेलेवेंस है नहीं, यहाँ पे आपको कुक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और ये एक आपको हवाई मालूम होना चाहिए, दैट्स इट। तो मेनली सबसे ज्यादा जो है वो आपको मेलानीजिया याद करना है। मेलानीजिया में पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतु, फिजी और न्यू कैलिडोनिया ऑलमोस्ट सारे ही आपको मालूम होने चाहिए, ये आपके आइलैंड्स हैं मेलानीजिया में। अब देखिए सोलोमन आइलैंड्स क्यों न्यूज़ में था, सोलोमन आइलैंड्स की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है जिसमें चाइना और ताइवान भी मिले हुए हैं, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको लेकर हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं। जो सोलोमन आइलैंड्स हैं इसके साथ चाइना ने एक रिसेंटली सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो चाइना की आर्मी जो है वो सोलोमन आइलैंड्स में आके तैनात करी जाएगी, वेरी वेरी क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया, और इधर जो है आपका अमेरिका भी है। सो ये काफ़ी चिंता की बात बन गई थी ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के लिए, कुल मिला के ओवरऑल क्वाड के लिए बड़ी चिंता की बात बन गई थी कि भाई चाइना जो है वो अपनी आर्मी को पैसिफिक में इतने नज़दीक हमारे ले आया है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल अग्रीमेंट था। अगेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये माइक्रोमेला और पॉलिनीजिया में से किसका हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यू कैलिडोनिया, तो यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ था, ठीक है, इस रेफरेंडम हुआ था जिसमें कि बेसिकली कुछ प्रो इंडिपेंडेंस फोर्सेस थी, इनका ये कहना था कि हमें अपने आप को फ्रांस से जो है आज़ाद करवाना है, लेकिन रेफरेंडम हुआ तो जो वोटिंग थी वो फ्रांस के ही हित में हुई एंड द वोटर्स चोज टू स्टे पार्ट ऑफ फ्रांस इन द रेफरेंडम। तो न्यू कैलिडोनिया इसलिए सुर्खियों में था, दैट्स इट। इतनी सी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जो कि हमने पैसिफिक ओशन की ये वाली कुछ चीज़ें न्यूज़ में रही थी। आई होप आपने कुछ कुछ चीज़ें नई जानी होंगी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होंगी, सब न्यू प्लेसेस आपने समझी होंगी, जानी होंगी क्यों वो सुर्खियों में रही होंगी, एंड आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेट में, एक बार फिर से बातचीत करेंगे कुछ और प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा, एंड उसके साथ ही में हम लोग जो कुछ और सीरीज़ को भी रन कर रहे हैं उसको भी प्लीज़ जाकर के देखें, एंड वीडियोज़ को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ़।